गुरुग्राम से राहुल गांधी ने उदयपुर स्थान के लिए अपनी यात्रा ट्रेन से शुरू की, जहां गुरुग्राम में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता हाथ में कांग्रेस का झंडा लिए ढोल व नगाड़ों के साथ गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, 2024 का चुनाव राहुल गांधी की अध्यक्षता में ही लड़कर बड़ी जीत हासिल करेंगे। हरियाणा 2024 में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व फिर से कांग्रेस लेकर आएगी। अब लोगों का हरियाणा में बीजेपी व जेजेपी सरकार से विश्वास उठ चुका है। हरियाणा में भ्रष्टाचार पांव पसार चुका है। महंगाई आज पूरे देश में आसमान छू रही है। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। ने जो ये जोश देखा है, सबसे पहले तो मैं हाईकमान सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो इन्होंने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है और साउथ हरियाणा को हमारा कमान दी है। और ये जो डिसीजन लिया है, इससे एक मिलके हम सब कार्य करेंगे और कांग्रेस पार्टी के आने वाले समय में सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी पहुंचे थे, काफी जोश युवाओं में दिखाई दे रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे गुड़गांव से, गांव देहात से, शहर से सभी लोग आए थे। यूथ ये चाहता है राहुल गांधी जी हमारे फिर से अध्यक्ष बने और पार्टी को मजबूत करें। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं 2024 का, और राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं।